Hello all of you. In today's lecture we cover integral controller action mode. So see the description points. As the name indicates, the controller output of controller is integration of the input error signal. Okay, so name is that is the integral controller action mode. It will indicates the output of controller is the integration of the input error signal. जो भी आउटपुट है कंट्रोलर का वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा इनपुट एरर सिग्नल का. ओके, देन वी सी द एक्सप्रेशन पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू के आई इंटीग्रेशन 0 टू टी ई ऑफ टी डी टी प्लस पी ऑफ 0. देन पी ऑफ 0 विल इंडिकेट्स द controller output when integral action will starts. Then ki indicate percent time accumulation. Okay, p0 क्या indicate करता है, controller output को indicate करता है जब भी action क्या होगी, integral action starts होगी. ki क्या indicate करता है, that is the percent time accumulation. Then if the error changes above and below the zero, the net sum will be zero. मीन्स जो भी एरर है वो अगर above या below change होगी, if the error changes above or below the zeros, the net sum will be zero. तो sum क्या रहेगी, जो भी net sum क्या रहेगी, zero रहेगी कब, जब भी एरर क्या होगी above या below the zero change होगी. Okay, then so the integral action will not contribute, but if the error becomes positive and negative for periods of the time, the integral action will begin to contribute and make changes to controller output. Okay, अब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी integral action है will not कंट्रीब्यूट, कब कंट्रीब्यूट नहीं करेगी इंटीग्रल एक्शन, बट इसमें किसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, जब भी एरर चेंज होगा अबव एंड बिलो द ज़ीरो, नेट सम भी ज़ीरो रहेगी, उस टाइम इंटीग्रल एक्शन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. ओके, बट इफ़ द एरर बिकम्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जब एरर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा फॉर एन पीरियड ऑफ टाइम, द इंटीग्रल एक्शन विल बिगिन टू कंट्रीब्यूट. तभी क्या होगा, जो इंटीग्रल एक्शन है वो कंट्रीब्यूट होना स्टार्ट होगी, बिगिन होगी कब, जब एरर बिकम्स पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर पीरियड ऑफ द टाइम, देन एंड मेक्स चेंजेस टू कंट्रोलर आउटपुट. उसके वजह से क्या होगा, जो भी कंट्रोलर का आउटपुट क्या होगा उसमें चेंज होगा. ओके, देन वी सी द एडवांटेज. फर्स्ट एडवांटेज दैट इट रिड्यूस द स्टेडी स्टेट एरर, इसमें जो स्टेडी स्टेट एरर है वो रिड्यूस करेगा. देन इट रिस्पॉन्स टू द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ डेविएशन, इसमें जो है कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस जो है डेविएशन का वो रिस्पॉन्स रहेगा. देन डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ नेवर यूज्ड अलोन, ये सिंगल नहीं यूज़ कर सकते अपन लोग, अलोन में नहीं यूज़ कर सकते. इट मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल फॉर द ऑसिलेटर रिस्पॉन्स. ओके, यहाँ पे जो है सिस्टम अनस्टेबल हम लोग कर सकते हैं ऑसिलेटर रिस्पॉन्स के लिए. इट मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल फॉर ऑसिलेटर रिस्पॉन्स. देन वी सी द ग्राफ इंटीग्रल मोड कंट्रोलर एक्शन. इन दिस we see the on x axis that is the time parameter and on y axis that is the e of t and p% that is, and this is the constant that is k1, and this will show the k2 is less than k1. okay, this is the portion that is integral mode controller action. Okay, so in this way this is the detailed description about the integral mode controller action. So thank you.